Assalamu alaikum, dear students. How are things going? Hope so everyone will be fine. Welcome to the video lecture of June summer task for grade 1 and the subject is social studies. So kindly students take out your social studies books from your bags. Today we are going to read the chapter. For that you have to open your books at page number 9. And the lesson name is food. Lesson number 5, food. So start with the reading. We eat food to make us strong and healthy. We eat food, हम खाना खाते हैं to make us strong, ताकि हम मजबूत हों and healthy और सेहतमंद हों. Food helps us to do many things. खुराक या गज़ा हमें मदद देती है ताकि हम बहुत से काम कर सकें, to do many things, ज़्यादा काम कर सकें. Healthy food helps us to grow, और सेहतमंद खाना हमें बढ़ने में मदद देता है. Some foods are grown, यानी कुछ खुराक जो है, कुछ गज़ा जो है वो पैदा होती है या पौधों में उगती है. Some foods come from animals, fish and birds. कुछ खुराक जो है हमें कहाँ से मिलती है? जानवरों से, मछली से और बर्ड से, परिंदों से, इट मीन्स के मुर्गी वगैरह से. कुछ खुराक जो है हमें इन चीज़ों से हासिल होती है. एनिमल्स मीन गाय का गोश्त हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, ये एनिमल्स में आता है, तो हमें कुछ खुराक यहाँ से मिलती है. We make food from milk, यानी हम दूध से भी कुछ खुराक, कुछ गज़ा जो है हम दूध से भी बनाते हैं. वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे दूध से बनती है, दही बनता है, लस्सी वगैरह बनती है, मक्खन बनता है, घी बनता है, तो ये सब फूड में आता है. फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर अस, ताज़ा सब्जियां और फल हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं. ताज़ा क्यों? क्योंकि अगर सब्जी या फल वगैरह गंदे या गले सड़े ख़राब होंगे तो वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए फ्रेश फूड और फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए. सो इट्स डन. सो कम टू दी नेक्स्ट पेज, लेसन 6, क्लोथ्स. इन जून समर टास्क वी हैव टू कवर अप टू लेसन, सो द सेकेंड लेसन इज क्लोथ्स. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. अकबर इज हेल्पिंग मुमताज, अकबर जो है वो मुमताज़ की हेल्प कर रहा है. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अकबर एंड दिस इज मुमताज़, सो ही इज़ हेल्पिंग हर. मुमताज़ इज़ बिजी वॉशिंग क्लोथ्स, मुमताज़ जो है वो मसरूफ़ है कपड़े धोने में. अकबर इज़ हैंगिंग देम आउट टू ड्राई, और अकबर क्या कर रहा है, उनको उन कपड़ों को सुखाने के लिए देखें ये रस्सी पर डाल रहा है. यानी अकबर जो है वो मुमताज़ की हेल्प कर रहा है, मुमताज़ कपड़े धो रही है और अकबर जो है उन क्लोथ्स को रस्सी पर लटका रहा है ताकि वो ड्राई हो जाएं. Whose clothes are these? When the clothes are dry, जब कपड़े खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, they will fold them neatly, तो वो क्या करेंगे, इनको तय कर लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ. We all wear clothes, हम सब कपड़े पहनते हैं. Clothes cover and protect our bodies, कपड़े क्या करते हैं, हमारे जिस्म को एक तो कवर भी करते हैं and protect, और उनकी अपने हमारे बॉडी की हिफाजत भी करते हैं. Clothes keep us warm when it is cold, कपड़े जो हैं हमें गर्म रखते हैं जब सर्दी होती है. At school we wear a uniform, और स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनते हैं. When it is hot, we wear light clothes. जब गर्मी होती है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं. When it is cold, we wear warm clothes. और जब सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं. You can see in the picture, these are the warm clothes and these are the light clothes for summer and these are for winter. Do the book exercise. So open up page number 10. Take out your pencils. You can see some pictures. These are two exercises, exercise A and B.
So the question is, name the following food items, color the food you like to eat. Here you can see there are some pics, so you have to write down the names of these pictures. Number one is bread. You can see it's bread, so I have write down the name bread. Number two is tomato. Number three is biscuit. Number four is egg. Number five is pizza, and number six is rice. So the next few pics you can see, you have to write down the names of these pics, these food items, by your own. आपकी parents आपके help कर देंगे इसमें, या आप खुद से भी लिख सकते हो कि ये क्या चीजें हैं, आप इनके names खुद से लिखें with neat and clean handwriting. Then come to the next exercise. It's exercise B. For breakfast, I like to eat. I have write down three names: bread, jam, and milk. And you have to write by your own what you like. जो आपको पसंद है ब्रेकफास्ट में जो आप खाना पसंद करते हैं, वो तीन नेम्स आपने यहाँ पर लिखने हैं अपने पसंद के. Then come to the page number 12, and the next exercise is find the missing letters. There are some pics and the names of these images are missing words. Write down with the missing words. The first word is whist. The A and S was missing, so we have write down. Number two is frock. O and K was missing, so write down with pencil. Number three is jacket. Then skirt, इसमें IR missing था, IR लिख देंगे. Trousers, S and R was missing. Socks, O and K was missing. तो ये इसको लिखकर इसको complete कर देना है. Then come to the exercise B. Draw clothes on these dolls. Color your work, okay? इन दो dolls बनी हैं, इनको आपने इन dots को मिलाकर pencil के साथ complete कर देना है doll को, और इनको कुछ कपड़े वगैरह से पहनाकर इसको कलर अप कर देना है, तो ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी. सो इट्स डन फॉर टुडेज वर्क. थैंक यू सो वेरी मच.